উমাশঙ্কর ঘোষ দস্তিদার আমাদের পূজো কমিটির প্রেসিডেন্ট। সবাই জোরে হাত তালি দিন। এবার পুষ্প স্তবক দিচ্ছেন। এবার বিজে ব্লক পূজো কমিটির তরফ থেকে স্মারক তুলে দিচ্ছেন উত্তম চ্যাটার্জি। আমাদের নেমন্ত দিচ্ছেন বিশিষ্ট উদ্যোগপতি এবং সমাজসেবক মিস্টার সব্যসাচী ব্যানার্জি। জোরে হাততালি হয়ে যাক, এরকম মুহূর্ত বারবার আসে না। ইয়ে বহুত স্পেশাল মোমেন্ট হ্যায় হাম লোগোঁ কে লিয়ে। আমাদের সামান্য কিছু ভালোবাসার উপহার তুলে দিচ্ছেন সব্যসাচী ব্যানার্জি। Now, I would like to request Mr. Amit Shah, Honorable Home Minister, to give his speech. यहाँ इस पूजा समिति के अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप दा, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय सचिव राहुल जी, हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल दा, सव्यसाची जी, और आज इस पूजा में पधारे हुए सारे भाइयों और बहनों पत्रकार मित्र, सबसे पहले तो एक कार्यक्रम के माध्यम से मैं समस्त पश्चिम बंगाल की जनता को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे पूर्वी भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। शक्ति की पूजा देश भर में हर स्थान पर किसी न किसी प्रकार से की जा सकती है, की जाती है, मनाते हैं, और पूरे वर्ष के लिए मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त कर शांति के लिए, समृद्धि के लिए, संस्कार के जतनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और मां दुर्गा ही है जो समस्त जगत का संचालन करती है, समस्त जगत को सुचारू रूप से चलाती, और इसलिए हमारे शास्त्रों में शक्ति पूजा को सबसे विशेष माना गया है। आज मैं यहां आया हूं ये उत्सव के अंदर पश्चिम बंगाल की जनता को के साथ शामिल होने के लिए आया है। और कुछ समय पहले यहां स्थिति थी कि दुर्गा की पूजा का, प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता था, और आज लोकसभा में बंगाल की जनता ने 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। आज किसी को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप दुर्गा पूजा कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले चुनाव के अंदर बंगाल के अंदर परिवर्तन करिए, दुर्गा पूजा के साथ वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा भी आप बेरोक टोक कर पाएंगे, रामनवमी भी मना पाएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी भी मना पाएंगे।
ये हमारे देश के अंदर सभी त्योहारों को, सभी धर्मों को एक समान देखने का, एक समान उसको मनाने का संवैधानिक अधिकार है। मगर वोट बैंक की राजनीति ने कई राज्यों के अंदर इस संवैधानिक अधिकार को लोगों से छीना है। मैं आज लंबा भाषण करना नहीं चाहता, मैं भी पंडाल में जाकर माँ का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा बंगाल फिर से एक बार सोनार बांग्ला बन जाए, इस दिशा में हम सब एकत्रित होकर काम करें। पत्रकार मित्र, मैं आया तब से बुमाबूम लगा रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जा रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। मैं आपके साथ साथ आपके एडिटर को भी बताना चाहता हूं कि ये बात जरा जनता तक पहुंचाइए कि पत्रकारों को तो अंदर नहीं जाने देते, जनता की क्या स्थिति होगी। आप आराम से मेरे साथ पंडाल के अंदर आ सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, आप आराम से कवरेज करिए मेरे साथ। सभी लोग एक बार बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।